हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल टेक द चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 9, नो मैन आर फॉरेन। द पोएम इज रोट बाय जेम्स किरकब। इन दिस पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट नो मैन बिलोंग टू अनदर कंट्री, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। And he wants to say that all men are same, all men are equal. All people, all men, they eat, live, die the same way. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, etc. in equal measure. He wants to promote the concept of universal brotherhood. इसमें poet ही कहना चाहता है कि हम सभी मानव जाति इस धरती पर एक समान तरीके से रहते हैं, खाते हैं और हमारी एक समान रूप से ही हमारी मृत्यु होती है। नेचर से हमको बराबर से सबको इक्वल मेजर में रॉ मटेरियल्स मिलता है, तो हमें सभी को भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। यही इस पोयम के अंदर मैसेज दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोयम। Stanza number first. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall lie. In the first stanza, the poet says that no men are strange and no country is foreign. So, he is attempting to remove the border from the earth which have been erected to separate different countries. Then only no country will be foreign. इसमें poet क्या कहना चाहता है कि हम कोई भी strange नहीं है, हम कोई भी अजनबी नहीं है, ये कोई भी country foreign नहीं है। हमें जो border हमने जो बांध रखी हैं उसको remove करना है, तभी हम फॉरेनर नहीं कहलाएंगे। देन ही सेज दैट इनसाइड द यूनिफॉर्म वॉर्म बाय अस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज द ह्यूमन बींग इज द सेम। वही कहता है कि हम सभी की बॉडी एक जैसी है और हम सभी एक जैसी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस इन सिमिलर वे। ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है। All breath in the same way. हम सभी एक तरीके से सांस लेते हैं। Then he says that all the people are brothers. हम सभी एक जैसे भाई बहन हैं। We all walk upon the same mother earth. And upon our death shall lie in the grave in the same earth. हम सभी एक जैसे इस mother earth पर walk करते हैं। और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है और हम सभी इस मदर अर्थ में समा जाते हैं। सेकेंड स्टेंजा, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉज लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइंस वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। इन द सेकेंड स्टेंजा दे The word refers to those people who belongs to other countries. यहाँ देश शब्द जो यूज़ हुआ है वो उन पीपल के लिए यूज़ हुआ है जो कि अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं। We call them foreigners and discriminate them and fight them with them also. हम उनको foreigners कहते हैं क्योंकि हम भेदभाव की भावना रखते हैं और उनके साथ में हम लड़ाई लड़ते हैं। He says, Everyone gets sunlight, air and water in equal measure, which means that God does not differentiate between people from different countries. हम सभी को पानी, एयर, सन सबको बराबर मिलता है। ईश्वर हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता है, लेकिन हम जो हैं एक दूसरे में भेदभाव की भावना रखते हैं।
We all do farming during the time of peace when there is no war. जब कभी भी लड़ाई नहीं होती है तो हम बड़ी शांति से जीते हैं. Further he adds that the way we starve during wars and winter time is the same for those belonging to other countries. Even they don't get food at that time. आगे वो कहते हैं कि जब कभी भी लड़ाई होती है, फाइट होती है, वॉर होती है, तो सभी को बराबरी से ही लॉस होता है. सभी को उस विंटर टाइम में बराबरी से भूख लगती है, भूखे मरते हैं, उनको भी टाइम से फूड नहीं मिलता है. सो ही वॉन्ट्स टू से डैट फॉरेनर्स हु बिलोंग टू अनदर कंट्री एंड वी बोथ आर सेम. पोएट का कहना है कि जो लोग अनदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब एक जैसे हैं. एंड द पोएट सेज दैट इवन देयर हैंड्स आर सेम एज आर्स, दे वर्क वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डू. वो कहते हैं कि हमारे हाथ पैर, जो हमारा शरीर का बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो सब एक जैसा है. हम सभी हार्ड वर्क करते हैं जैसे सब करते हैं. ही इज गिविंग ऑल दीज एग्जांपल टू कन्वे टू द रीडर दैट देयर इज नो डिफरेंस इन अस एंड द पीपल बिलोंगिंग टू अनदर कंट्री. वो रीडर को या इस पोएट के थ्रू सभी को मैसेज देना चाहता है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं है. जो पीपल दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो सब एक जैसे हैं. इन द थर्ड स्टैंजा विल गो, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्टैंड दैट कैन बी वॉर्न बाय लव. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट आस्क्स द रीडर टू रिमेंबर समथिंग. यहां पर पोएट रीडर को कह रहा है कि कुछ याद करो. ही सेज दैट वी शुड कीप इन माइंड दैट द पीपल ऑफ अनदर कंट्री हुम वी थिंक टू बी अवर एनिमीज हैव बीन बेस्टर्ड बाय गॉड विथ सिमिलर अपीयरेंस लाइक अस. इस स्टैंजा में कहता है पोएट कि ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है, सबको सिमिलर अपीयरेंस दिया है, तो हम उनको क्यों अपने एनिमीज मानते हैं. गॉड हैज गिवन देम आईज लाइक आर्स विच ओपन when awake and close when we are asleep. जब कभी भी हम सोते हैं, हम सबकी आँखें एक जैसी हैं. हम जब कभी भी जागते हैं तो हमारी सबकी आँख जैसी हैं. सिमिलर ही हैज़ गिवन दैम स्ट्रेंथ विच वी कैन विन थ्रू लव. हम सबको एक जैसा स्ट्रेंथ दी है जो हमको भाईचारे की भावना को बढ़ा सकती है. हम सब में प्यार की भावना होनी चाहिए. Then he says that in every country, in every land, there is one common thing, that is life. हर एक कंट्री में एक जैसी लाइफ है, सबका सब चीज कॉमन है, तो हम क्यों जो है लड़ाइयां लड़ते हैं, हम क्यों किसी प्रकार की डिफरेंशिएट हम लोग रखते हैं आपस में. एंड इफ वी कैन रिकॉग्नाइज देम एंड इफ वी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड रियलाइज दैट दे आर लाइक अस, देन देयर विल बी नो फाइट्स और वॉर्स बिटवीन अस. अगर हम ये भावना रखेंगे कि सब हमारे एक जैसे हैं और सब में फीलिंग एक जैसी है, तो हम में कभी भी किसी भी प्रकार की फाइट्स या वॉर कभी नहीं होगा. लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्स डैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. In the fourth stanza, the poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves, we cheat ourselves, and we condemn ourselves. यहाँ पर poet कहते हैं कि हमें जरा सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमको किसी दूसरे पर्सन से या किसी दूसरी कंट्री से हेट करने को कहता है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कहता है, या उसको अपना एनिमी मानने के लिए हमको कहता है, तो हम स्वयं अपना ही नुकसान कर रहे हैं. हम स्वयं अपने ऊपर ही चीट कर रहे हैं. हम अपना ही नुकसान करने जा रहे हैं.
फर्दर ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी, हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए. वी शुड नॉट कंसिडर एनी वन टू बी अवर एनिमी, हमें कभी भी किसी को एनिमी मानना ही नहीं चाहिए. बिकॉज ड्यूरिंग अ वॉर बोथ द पार्टीज मस्ट बियर द लॉस एंड दैट इज वाई द पोएट सेज दैट वॉर इज नॉट इन अवर फेवर, क्योंकि जब लड़ाई जब होती है तो बोथ पार्टीज को लॉस उठाना पड़ता है. और इसलिए पोइट कहते हैं कि हमें कभी भी लड़ाई के फेवर में नहीं जाना चाहिए. ही सेज दैट वेन एवर वी पिक एनी वेपन अगेंस्ट समवन वी शुड रिमेंबर वन थिंग. आगे वो कहते हैं कि जब कभी भी हम वेपन अस्त्र शस्त्र उठाते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए. क्या है वो एक बात? इट इज अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. Last paragraph में वो कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना चाहिए. We should keep in mind that whenever we pick weapons against any person, we make the earth dirty. कि जब कभी भी हम किसी के लिए अस्त्र शस्त्र उठाएंगे तो हम इस धरती को गंदा ही करेंगे. Because it leads to a lot of bloodshed, fire and death. क्योंकि हर तरफ खून खराबा होगा, आग लगेगी, मृत्यु होगी. And these bodies accumulate on the earth and it make it impure. ये dead bodies जो हैं अर्थ पर गिरकर यहाँ पर pollution फैलाएंगी, इसको impure करेंगी. The fire of war which erupts, it pollutes and outrages the purity of the air. और आग सब जगह जो लगेगी उसमें जो पॉल्यूशन जो होगा वो एयर पॉल्यूशन करेगा. एंड फाइनली ही सेज, ही एंड्स द पोएम बाय राइटिंग द फर्स्ट लाइन इन रिवर्स एंड सेइंग दैट रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. इसमें लास्ट में फिर वापस से पोइट कहना चाहता है कि हम जरा सोचें, हम अपने आप अपने लिए सोचें, इस मानव जाति के लिए सोचें कि कोई भी व्यक्ति फॉरेनर नहीं है, कोई भी कंट्रीज हमारे लिए अजनबी नहीं है. हम सब एक भाई बहन हैं, हम सब में एक भाई चारे की भावना होनी चाहिए. सो आई होप यू लाइक दिस पोएम. थैंक यू सो मच.